हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो साथ में घंटी का बटन है उसे दबा दीजिए, ताकि अगर मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरी आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। अगर आप एक बिगनर हो तो आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज हम दो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। हमारा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है वो है क्रिएट डाउनलोड लिंक विद टाइमर इन जावास्क्रिप्ट, और जो हमारा सेकेंड प्रोजेक्ट है वो है क्रिएट द प्रोसेसिंग बार विद परसेंटेज। हम आज इन दो मिनी प्रोजेक्ट को बनाएंगे। इनको करने के बाद आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और आप काफ़ी कुछ प्रोजेक्ट को क्रिएट कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट। हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है डाउनलोड लिंक विद टाइमर। इस प्रोजेक्ट में हमारे पास ऐसे होगा कि हमारे पास पहले टाइमर आएगा 5, 2, 4, 3, 2, 1, 0, और उसके बाद हमारे पास जो डाउनलोड लिंक है वो शो होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बॉडी टैग बना लेता हूँ। मैंने बॉडी टैग के अंदर यहाँ पे एक ड्यू आईडी ड्यू क्रिएट कर ली, उसकी आईडी मैंने यहाँ पे हेडर दे दी और यहाँ से ड्यू को क्लोज कर दिया। अब मुझे यहाँ पे अपना जो स्क्रिप्ट टैग है वो स्टार्ट करना है और क्लोज़ करना है। मुझे अब स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो मेरा जावास्क्रिप्ट का कोड है उसे यहाँ पे लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारे पास एक वेरिएबल बनाएंगे वार सी इक्वल टू 5। मैंने यहाँ पे वार सी 5 तब बनाया क्योंकि मेरी जो काउंटिंग होगी 5, 4, 3, 2, 1, 0 स्टार्ट होगी, तो मैंने 5 बना दिया। अब मैं यहाँ पे सेट इंटरवल फंक्शन लगाऊंगा, तो मैं इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। आईडी नाम से मैंने वेरिएबल बना लिया और इसके अंदर मैंने लिख दिया सेट इंटरवल। उसके बाद मैंने फंक्शन, इसके अंदर मैं एनोमिनस फंक्शन बना लेता हूँ और साथ में यहाँ पर जो मेरा टाइम है वो लिख देता हूँ 1 सेकेंड। तो अब जो मेरा एनोमिनस फंक्शन है मैं इसके अंदर सारा कोड लिखूँगा। यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। मेरे जो रिज़ल्ट है मैं अपनी हेडर ड्यू के अंदर शो करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे हेडर लिखूँगा हेडर। डॉट इनर HTML इक्वल टू सी जो मैंने ऊपर वेरिएबल बनाया था। अब मैं यहाँ पे जो मेरा वेरिएबल सी है इसे यहाँ से मैं C-1 कर दूंगा। अब होगा ये कि जो मेरा वेरिएबल सी है ये डिक्रीमेंट होता जाएगा, एक एक डिक्रीमेंट होता जाएगा। तो चलिए मैं आपको इसे ब्राउज़र में ओपन करके बता देता हूँ। जो मेरा यहाँ पे फाइल है मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, तो ये मेरी फाइल ओपन हो गई है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये डिक्रीमेंट स्टार्ट हो गया है, काउंटर 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3। लेकिन आप देख रहे हो कि मुझे 5 से लेके 0 तक चाहिए, लेकिन ये 0 के बाद भी डिक्रीमेंट हो रहा है, जैसे -1, -2, -3। तो इसके लिए हमें यहाँ पे इफ कंडीशन लगानी होगी हमारे कोड में। तो चलिए हमारे कोड में चलते हैं। तो जो मेरा एक कोड आप देख रहे हो यहाँ पे, मैं इफ कंडीशन लगाता हूँ, इफ सी लेस देन 0। उसके बाद हम यहाँ पे लगा देंगे क्लियर इंटरवल। क्लियर इंटरवल से जो हमारा इंटरवल हमने स्टार्ट किया था उसे क्लियर हो जाता है। हम इसके अंदर जो हमने वेरिएबल आईडी बनाया था, हमें आईडी लिखे क्योंकि आईडी के अंदर ही हमारा सेट इंटरवल स्टोर है। अब आप देखो जैसे मैं इसे यहाँ पे दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ 5, 4, 3, 2, 1, 0, तो आप देख रहे हो 0 पे यहाँ ये स्टॉप हो गया। चलिए मैं आपको इसे जूम करके बता देता हूँ। तो देखिए मैंने इसे जूम कर दिया। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे 5, 4, 3, 2, 1, 0, तो आप देख रहे हो कि 0 पे ये स्टॉप हो गया। तो आपने देखा कि इफ कंडीशन से हमने कैसे ऐसे क्लियर इंटरवल किया और इसे स्टॉप कर दिया। तो चलिए अब हमें ये करना है कि जब इंटरवल
क्लियर इंटरवल वर्ल हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या डिस्प्ले कराना है, तो हम यहाँ लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी हेडर डॉट इनर एच टी एम एल, क्योंकि आप जानते हो कि अगर हमें कुछ भी डिस्प्ले करवाना हो तो हम डॉट इनर एच टी एम एल का यूज़ करते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे गेट लिंक। अब मैं आपको इसे ब्राउज़र में बताता हूँ, जैसे हम यहाँ पे इसे रिफ्रेश करते हैं तो आप देखिए 5 4 3 2 1, वाओ ये देखो परफेक्टली वर्क कर रहा है गेट लिंक। अगर आप चाहो तो इसके अंदर एक एंकर टैग भी, एक लिंक भी ऐड कर सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एंकर टैग का यूज़ करना है, ए एच रेफ इक्वल टू कोमा लगाना है www.google.com, आप कोई भी लिंक ऐड कर सकते हो। मैं इसके अंदर ए लिख देता हूँ और अब इसे एंकर टैग को क्लोज कर देता हूँ। अब मैं आपको सब ब्राउज़र में रन करके बताता हूँ कि किस तरह से वर्क करेगा। तो आप देखिए मैंने रिफ्रेश किया 5 4 3 2 1 0 ए, देखो तो आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है जो लिंक है। तो चलिए मैं यहाँ पे इसे इसका नाम चेंज कर देता हूँ, ए की जगह मैं इधर लिख देता हूँ गेट लिंक। आप देख रहे हो कि मैंने ए को यहाँ से रिमूव कर दिया, मैंने यहाँ लिख दिया गेट लिंक। फाइव फोर थ्री टू वन, वाह आप देखो कि परफेक्टली हमारा लिंक तैयार हो गया है, हमारा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है डाउनलोड टाइमर विद डाउनलोड लिंक विद टाइमर तैयार हो गया है। अब मैं इसे सेंटर में कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे सेंटर टैग का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप CSS का यूज़ करके भी इसे सेंटर में कर सकते हो। तो मैं यहाँ से हेडर को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ योर डाउनलोड लिंक विल बी स्टार विल बी जनरेट इन। अब देखिए मैंने इसे सेव किया कंट्रोल प्रोसेस करके, और आपको मैं इसे ब्राउज़र में ओपन करके बता देता हूँ कि किस तरह से आपको डिस्प्ले होगा। मैं इसे कंट्रोल प्रोसेस करके सेव करता हूँ और ब्राउज़र में जाने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो आपने देखा कि मेरे पास ये परफेक्टली डिस्प्ले हो रहा है, परफेक्टली वर्क कर रहा है। इसे दोबारा से योर डाउनलोड लिंक विल बी जनरेटेड इन 4 5 3 2 1 एंड गेट लिंक। तो आपने देखा कि किस तरह से परफेक्टली वर्क कर रहा है, हमारा जो ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है ये तैयार हो चुका है। अब हम अपना जो सेकंड प्रोजेक्ट है प्रोग्रेस बार विद परसेंटेज इन जावास्क्रिप्ट, अब हम अपना सेकंड प्रोजेक्ट बनाएंगे। अगर आपको फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाने में कोई भी एरर या प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो चलिए अब हमारा जो सेकंड प्रोजेक्ट है हम उसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारा बॉडी टैग है उसे बना लेंगे, जैसे कि हम हर बार करते हैं बॉडी टैग को क्लोज कर लेंगे। इसके अंदर हम अपनी हेडर डिव बना लेते हैं, डिव आईडी इक्वल टू हेडर। आप किसी भी नाम से यहाँ पे डिव की आईडी दे सकते हो। अब डिव आईडी को मैं क्लोज कर देते हैं, इसके अंदर मैं यहाँ पे हेडर लिख देता हूँ ताकि आपको पहचानने में आसानी रहे कि कौन सी हेडर ड्यू है। इतना करने के बाद हमें यहाँ पे एक बटन भी तैयार करना है, क्योंकि जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तभी हमारी जो प्रोग्रेस बार है वो स्टार्ट होगी 0 से लेकर 100 तक। तो चलिए हम यहाँ पे एक बटन तैयार कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बटन, जो बटन टैग होता है हम उसे यहाँ पे लिखेंगे। बटन हम इसका नाम क्लिक लिख देते हैं और इसे बटन टैग को यहाँ से क्लोज कर देते हैं, तो हमारा जो बटन टैग है ये बन चुका है। अब हम अपना
स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमारा जो जावास्क्रिप्ट का कोड है उसे लिखेंगे। हम यहाँ पे सबसे पहले var c इक्वल टू एक वेरिएबल बना लेते हैं, इसकी वैल्यू हम जीरो देते हैं क्योंकि जो हमारी प्रोग्रेस बार है वो जीरो से लेके 100 तक स्टार्ट होगी। अब हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, हम फंक्शन का नाम लव देते हैं, आप कुछ भी फंक्शन का नाम दे सकते हो। अब हम यहाँ पे var id इक्वल टू सेट इंटरवल बना लेते हैं जैसे हमने पहले बनाया था। हम var id जो हमने वेरिएबल बनाया उसके अंदर हमने सेट इंटरवल फंक्शन को स्टोर कर दिया, तो हमने इसके अंदर एक वेरिएबल फंक्शन का नाम लिखा लव जो हम बना रहे हैं, और साथ में हमने इसमें टाइम लिख दिया 1 सेकेंड। 1000 का मतलब 1 सेकेंड होता है और 2000 का मतलब 2 सेकेंड होता है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे c इक्वल टू c प्लस 10। अब होगा है कि हर बार 10% बढ़ता जाएगा और ये 100% तक जाएगा। तो चलिए मैं आपको पहले सिंपली ऐसे बता देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पे ओन क्लिक इवेंट लगा देता हूँ बटन पे, ओन क्लिक इक्वल टू लव जो हमने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। हेडर डॉट स्टाइल डॉट विड्थ, यहाँ पे होगा कि हर बार विड्थ हर सेकंड में विड्थ 10% बढ़ती जाएगी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया सी जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया था सी प्लस परसेंटेज कोमा के अंदर परसेंटेज। अब मैं आपको इसे ब्राउज़र में रन करके बताता हूँ। अब ये वर्क नहीं कर रहा है तो मैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे कलर इसे कोई कलर नहीं दिया है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हेडर। यहाँ पे कलर इसलिए हम दे रहे हैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, क्योंकि जब हमारे पास कलर होगा तभी हमें जो हमारी प्रोग्रेस बार है वो डिस्प्ले होगा कि हमें किस कलर में जो हमारा प्रोग्रेस बार है वो हमें डिस्प्ले करवाना है। तो मैंने इसे कलर दे दिया ग्रीन। आप चाहो तो सीएसएस में स्टाइलिंग में भी हेड सेक्शन के अंदर भी इसकी कलर दे सकते हो बैकग्राउंड कलर। तो आप देख रहे हो कि ये बढ़ रहा है हर सेकंड पे बढ़ रहा है और ये बढ़ता ही जा रहा है, ये रुक नहीं रहा है। ये 100 से भी काफ़ी आगे 200 या मतलब ये इन्फिनिटी तक बढ़ता जाएगा। तो इसके लिए अब हमें यहाँ पे कंडीशन लगानी है इफ़ कंडीशन में। तो इफ़ कंडीशन में हम लिखेंगे अगर जो हमारा सी है अगर ये ग्रेटर देन 100 होगा तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्लियर इंटरवल लगा देंगे। क्लियर इंटरवल लगाने के बाद जो ये हमारा ये स्टॉप हो जाएगा और हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे एल्स। हम यहाँ पे एल्स कंडीशन लगा देंगे, अगर 100 से ज़्यादा होगा तो ये होगा कि ये क्लियर इंटरवल हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अगर ये हमारा 100 से कम होगा तो ये बढ़ता जाएगा, ये 0 से लेके 100 तक बढ़ेगा। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देखो कि ये बढ़ रहा है, ये देखो अभी 100 पे जाके रुक गया, तो अब ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो हम यहाँ पे परसेंटेज भी दिखा सकते हैं कि कब ये कितना बढ़ा, कब ये 10% हुआ, कब ये 20% हुआ। तो इसके लिए हमें सिंपली करना है कि यहाँ पे लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हेडर डॉट इनर एचटीएमएल। मैंने आपको बताया है कि अगर हमें कुछ भी डिस्प्ले करवाना हो कोई टेक्स्ट में कोई भी, तो हम उसे डॉट इनर एचटीएमएल से डिस्प्ले करवाते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे सी प्लस कोमा के अंदर परसेंटेज। अभी होगा कि जितना परसेंटेज ये बढ़ता जाएगा तो हमारे पास उतना डिस्प्ले हो यहाँ पे हो जाएगा प्रोग्रेस बार के अंदर। तो आप देखो जैसे मैंने क्लिक पे देखो आप देख रहे हो 10% 20% 40% 80% और 100% पे रुक गया। तो आपने देखा कि परफेक्टली वर्क कर रहा है। यहाँ जो ऊपर हेडर है हम इसे यहाँ से रिमूव कर देते हैं।
इसे कोड को कंट्रोल प्लस एस करके सेव करने के बाद आपको रिफ्रेश करके बताता हूँ। अब जैसे क्लिक करते हैं तो आप देखोगे 10%, 20%, 40%, 80% और 100%। तो आपने देखा है किस तरह से परफेक्टली वर्क कर रहा है।